गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग वृद्धि और परिवर्धन की बात कर रहे थे कि वहां पर वृद्धि और परिवर्धन किसे कह रहे हैं, यहाँ वृद्धि की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रावस्थाओं में वृद्धि होती है और वृद्धि की गतिकी क्या है, उसका अगर हम टाइम के संग में ग्रोथ का टाइम के संग में अगर हम ग्राफ खींचे तो यहाँ पर किस प्रकार से आता है, कौन कौन से फेज में ग्राफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो अब तक हमने जो वृद्धि देखी है इस वृद्धि का हम प्लांट्स के अंदर मापन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वृद्धि का मापन, वृद्धि का मापन, क्योंकि यहां पर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वृद्धि को हम माप सकते हैं, क्योंकि लंबाई अगर बढ़ रही है तो लंबाई को नाप सकते हैं, चौड़ाई को नाप सकते हैं। तो यहां जो वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है उसका मापन कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। और मापन कर कैसे सकते हैं हम, ये मापन कर सकते हैं हम लंबाई में, लंबाई का, चौड़ाई, शुष्क भार, आयतन, इन सभी का मापन कर सकते हैं। पादप की लंबाई देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, उसका हम शुष्क भार देख सकते हैं। बताया था आपको जब मैंने यूनिट सेकंड पढ़ाई थी कि शुष्क भार को कैसे देखते हैं, उसका शुष्क, सॉरी यूनिट फर्स्ट के अंदर उसका शुष्क भार देख सकते हैं, उसके आयतन को नाप सकते हैं, लंबाई चौड़ाई में कितना परिवर्तन हो रहा है उसके आयतन को नाप सकते हैं। तो ये सभी चीज टाइम के सापेक्ष देखी जाती है, समय के सापेक्ष, समय के साथ लेते हैं। देखिए कैसे, हमको आयतन देखना है, आयतन देखना है, तो यहां क्या करेंगे हम आयतन को देखेंगे हम v2 माइनस v1 अपॉन t। v1 v2 t समय बाद आयतन, तो v1 t समय पहले और v2 क्या होगा t समय बाद आयतन, और t क्या है टाइम। तो इन दोनों में v2 और v1 में अंतर और समय, उसमें हम समय का भाग दे दें तो यहां पर हमको आयतन आ जाएगा। कि मान लिया हमने चार वर्ष में, चार महीने में, या चार दिनों में, या चार घंटे में, कुछ भी हो सकता है वो टाइम, कितनी वृद्धि हुई है या यहाँ आयतन के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को हम इस सूत्र से यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे अगर हम भार में वृद्धि देखें, भार में, तो ये क्या होगा W 2 माइनस W 1 अपॉन T, W 1, W 2 और T, T तो टाइम है जो इस ड्यूरेशन में लिया गया है, W 1 T समय से पहले, पहले का भार, और ये T समय के बाद का भार। तो ऐसे हम भार में वृद्धि देख सकते हैं, भार में वृद्धि, ये आयतन में वृद्धि, यहां हम इससे आयतन में वृद्धि देख सकते हैं। अब यहां पत्तियों के लिए अगर हम देखें, लीफ के लिए अगर देखें, पत्तियों के क्षेत्रफल के लिए तो यहां क्या लेंगे, पत्तियों के क्षेत्रफल के लिए तो हम इसको L से लेते हैं, क्योंकि पत्तियों में किस प्रकार की लीफ है, क्योंकि लीफों के आकार आकृति बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो यहां लीफ के यहां से लेकर के यहां जो लंबाई चौड़ाई है उस सब को हम L से डिनोट करते हैं। तो यहां
क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए L2 माइनस L1 अपॉन T लेते हैं। यहां अब एक L के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसे समझो आयतन, लंबाई चौड़ाई जो भी उसका एरिया निकल के आ रहा है वो होता है L के अंदर। L2 माइनस L1 अपॉन T, L2 T समय से पहले का उसका क्षेत्रफल, T समय के बाद का क्षेत्रफल, L1 T समय के पहले का क्षेत्रफल, और इसमें हम अगर समय का भाग दे दें तो यहां क्या आ जाएगा, पत्ती का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही लंबाई चौड़ाई के लिए कैसे लेंगे, यहां पर अगर हम लंबाई चौड़ाई के लिए लें, लंबाई चौड़ाई के लिए देखें तो पत्ती के लिए देख रहे हैं या पादप के लिए, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। तो यहां पत्ती के लिए देख रहे हैं तो पत्ती का तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल देखते हैं, अगर हम यहां पादप की लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं तो यहां पर हम किससे लेते हैं, एल से, सॉरी पत्ती को हम एस से लेते हैं, एस टू माइनस एस वन, एल से ना लेकर के एस से लेते हैं, सरफेस देखते हैं इसकी, सॉरी स्टूडेंट्स सरफेस देखते हैं पत्ती की, और यहां पर लंबाई चौड़ाई को हम एल से लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई को एल से और सरफेस को एस से। तो ये कैसे लेंगे हम, एल टू माइनस एल वन अपॉन टी। तो यहां इस प्रकार से हम पादप के वृद्धि का मापन कर सकते हैं गणितीय रूप में कि पादप में कितने समय में कितनी वृद्धि हो रही है, और यहां पर इनकी वृद्धि का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से चल रहा है, टाइम के साथ में कम है ज्यादा है जो भी है, यहां हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब यहां हम उपकरणों के माध्यम से कैसे नाप सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरणों के द्वारा यह मापन हम वृद्धि का कैसे कर सकते हैं, तो यहां इन उपकरणों के द्वारा कुछ विधियां होती हैं, उपकरण कहें या विधियां कहें। फर्स्ट डायरेक्ट स्केल के द्वारा ही नाप है, सीधी विधि कहते हैं इसको, सीधी विधि, मान लिया ये कोई पादप है, ये L1 कंडीशन, ये L2 कंडीशन, यहां से हमने इसके शीर्ष पे पॉइंट, शीर्ष से नीचे से, पादप बहुत छोटा होता है तभी स्केल से नापा जाता है, यहां से लेकर के स्केल लगाकर नाप लिया, हमारे पास में स्केल यहां से लेकर के यहां तक नाप लिया हमने, अब T समय के बाद में इस स्केल को वापस से लगाया, हमने स्केल को वापस से लगाया, अब मान लिया पहले यहां तक ग्रोथ थी, अब यहां से यहां तक कितनी ग्रोथ हुई है इस चीज को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, इससे ऊपर कितनी ग्रोथ हुई है स्केल में उस चीज को लेकर के नाप लेंगे। तो यहां डायरेक्ट क्या करते हैं, स्केल लगाकर नापते हैं, अब ऐसा तो नहीं है इतने ऊंचे वृक्षों में स्केल लगाएंगे, तो यहाँ छोटे वृक्षों के लिए विधि या छोटे पादपों के लिए, पौधों के लिए ये विधि अपनाई जाती है। तो यहां सीधी विधि में डायरेक्ट स्केल का यूज करते हैं, स्केल लगा करके क्या करते हैं, यहां पर इसको वृद्धि को कितनी ग्रोथ हुई है यहां पादप में उसको यहां नाप लेते हैं। सेकंड क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करते हैं, जो प्लांट है यहां पर, जो प्लांट है इस प्लांट का एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया ये पॉइंट शीर्ष वाला एक पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि वृद्धि कहां हो रही है, शीर्ष में, यहां हम रूट की वृद्धि नहीं ले रहे, किसकी ले रहे हैं, शीर्ष की, क्योंकि रूट की वृद्धि के लिए तो जमीन में जाना पड़ेगा, तो यहां हम शीर्ष की वृद्धि लेके चलते हैं, यहां ये पॉइंट हमने ले लिया, इसका जो शीर्ष का जो सबसे टॉप पॉइंट था वो पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, इसके बराबर में चिन्ह लगा करके यहां हमने माइक्रोस्कोप को सेट कर दिया, यहां पर हमने माइक्रोस्कोप को सेट कर दिया, क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी है इसको यहां सेट कर दिया, ये हमने मान लिया L1। अब T समय बाद, वो T समय कितना है, महीने है, दो महीने है, चार दिन है, छह दिन है, अब यहां पर
इसके अंदर यहाँ पर स्केल फिक्स होता है, जब इसको ऊपर को इसको पॉइंट को ऊपर बढ़ाते हैं तो यहाँ स्केल फिक्स होता है। अब जो टॉप पॉइंट है इस पॉइंट पर हम यहाँ ले जा अब वापस यहाँ ले जाएंगे माइक्रोस्कोप को। अब यहां से और यहां तक जो ये ग्रोथ हुई है इसको नाप लेंगे माइक्रोस्कोप का। इस पॉइंट से खिसकाकर हम कहां ले गए, वापस सीड्स पॉइंट तक। जो पहला सीड्स पॉइंट था उस सीड्स पॉइंट से खिसकाकर कहां ले गए, अब जो नया सीड्स पॉइंट है जो L2 लंबाई में आ रहा है तो यहां तक ले गए। अब यहां कितनी ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ के आधार पर हम यहां बता सकते हैं कि पादप में, क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास में रेखांकित या आसंकित पैमाना, उस पैमाने के आधार पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ग्रोथ हुई है। तो ये क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बजाय पैमाने के यहाँ ज्यादा स्पष्टता और सटीकता रहती है। क्यों? क्योंकि पैमाने से नापने में तो हम फिर भी गलती करेंगे और यहाँ सूक्ष्मदर्शी का खुद नाप रहा है इसको, यहाँ हम नहीं नाप रहे, ये दे रहा है हमको यहाँ से यहाँ तक ये कितना खिसका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना खिसका है, कितना खिसकाया है इसको, तो ये नाप कर देता है हमको यहाँ पर कौन, माइक्रोस्कोप। जो हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप है वो यहाँ इस दूरी को नाप कर देता है। तीसरा जो यहाँ पर विधि ली जाती है वो नापा जाता है आर्क वृद्धि मापी द्वारा। थर्ड जो है वो है आर्क वृद्धि मापी, आर्क वृद्धि मापी। तो इससे कैसे करते हैं, देखिए यहां पर साफ करते हैं। थर्ड आर्क वृद्धि मापी, आर्क वृद्धि मापी में क्या होता है कि यहां पर एक स्टैंड पर पैमाना फिक्स होता है, गमला होता है, पुली वहां पर लगी हुई होती है। पहले डायग्राम बनाते हैं, देखिए यहां पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये तो है इंडिकेटर, इसको क्या कहते हैं हम, इंडिकेटर। इंडिकेटर ये है स्केल, ये है स्टैंड, यहां ये फ्री है स्टैंड से, ये फ्री है, ये जो यहाँ पर इंडिकेटर है इंडिकेटर स्टैंड से बंधा हुआ नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको तो क्या करना है, घूमना है ऊपर नीचे, ये फ्री है, ये पुली, ये पुली जो कुओं से पानी खींचते हैं ना, जो मूव करती है, घूमती है,
अपनी एक्सेस पर, वो यहां पर ये पुली, यहां पर ये प्लांट, यहां प्लांट से हमने ये लगा रखा है वेट, प्लांट से वेट लगा रखा है, ये है यहां पर थ्रेड, यहां पर ये थ्रेड। अब यहां क्या होता है कि यहां पर जो गमला है, गमले में हमने जो पादप लगाया हुआ है, इस पादप के शीर्ष भाग को जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको धागे से लेकर के पुली के ऊपर होकर के लटका देते हैं, दूसरे छोर पर यहाँ पर हुक के द्वारा यहाँ पर कुछ वजन लटका देते हैं। अब इस पुली को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि पुली के जो मध्य में सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट पर एक इंडिकेटर लगा हुआ है, पुली के अगर पुली घूमेगी तो पुली के साथ साथ ये इंडिकेटर भी घूमेगा, यहां पर अगर पुली मूव करेगी तो इस पुली के साथ साथ ये इंडिकेटर भी मूव करेगा, और ये क्या है यहां पर स्थिर। इस प्रकार से यहां पुली है ये, क्योंकि यहां 3D में तो आपको क्लियर दिख गया था, 2D में कैसे दिखे गए, तो ये मान लिया पुली है, पुली ऐसे घूमेगी और ये दो पॉइंट है बीच में से, इस प्रकार से ये पुली है, ये जो लगे हुए हैं वो इस प्रकार से लगे हुए हैं सेंटर पॉइंट में से, तो यहां से ये पुली जब घूमेगी तो इस पुली के घूमने पर ये इस यहाँ पर जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर भी क्या होगा इसके साथ साथ घूमेगा। यहां पर जो स्केल है ये क्या है, फिक्स स्केल, फिक्स है, स्टैंड के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर है तो हवा में तो लटक नहीं सकता, तो स्टैंड पर ये स्केल को हमने फिक्स कर दिया। प्लांट में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है तो ये धागा क्या होगा, इधर बेट लगा हुआ है, इधर दूसरी साइड में बेट है, तो ये धागा जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो धागे के जरिए ये बेट कैसे आएगा नीचे, जैसे बेट नीचे आएगा तो पुली घूमेगी, पुली घूमेगी तो इंडिकेटर भी ऊपर नीचे जाएगा। अब पादप में कितनी ग्रोथ हुई है, जितनी ग्रोथ पादप में होगी उतना ही इंडिकेटर घूमेगा, उतना ही इंडिकेटर घूमेगा, कहां स्केल पर, ये इंडिकेटर स्केल पर उतना ही घूमता है। तो शुरुआत में इस इंडिकेटर को हम इस प्रकार से लेके चलते हैं बिल्कुल जीरो पर, यहां हम इसे बिल्कुल जीरो पर लेके चलते हैं। अब यहां जितना घूम रहा है उतना टी टाइम के बाद में कितना घूमा है उसको देख करके यहां स्केल पर हम इसके देख लेंगे कि ये स्केल पर ये कितना चला है आगे, उसके आधार पर हम यह वृद्धि का मापन कर लेते हैं। तो यहां जो शुद्ध जो हम वृद्धि निकालते हैं, क्योंकि यहां पर कई चीज इन्वॉल्व है, तो यहां हम शुद्ध वृद्धि के लिए क्या करेंगे, संकेतक द्वारा तय की गई दूरी, संकेतक इंडिकेटर, संकेतक द्वारा तय की गई दूरी, इनटू क्योंकि संकेतक ने कितनी, इंडिकेटर ने कितनी दूरी की है, इनटू पुली का व्यास, पुली का व्यास अपॉन, अब यहां पर संकेतक का भी हमने देख लिया, पुली का व्यास भी देख लिया, तो कि दोनों को ऐड करना है, उसके बाद में यहां पर जो पुली है पुली के मध्य से संकेतक की लंबाई, क्योंकि ऐसे पुली से जुड़ी हुई है, पुली के मध्य से संकेतक की लंबाई, संकेतक की लंबाई ये आती है यहां पर शुद्ध लंबाई, इस प्रकार से यहां पर आर्क वृद्धि मापी के द्वारा हम पादप की शुद्ध लंबाई को बता सकते हैं। नेक्स्ट, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि यहां पर जो वृद्धि है वो वृद्धि अकेले एक फैक्टर से नहीं, दो फैक्टरों से यहां पर दो कारकों के द्वारा होती है, एक तो होते हैं बाह्य कारक, एक तो होते हैं बाह्य कारक, और दूसरे होते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारकों में कौन कौन से होते हैं, तो बाह्य कारकों में सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की,
प्रकाश, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश ही यहां पर प्रभावित करता है। तो प्रकाश यहां चार प्रकार से प्रभावित करता है, चार प्रकार से। सबसे पहले प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी। यहां प्रकाश की तीव्रता कम है या फिर अधिक है, ज्यादा है, तो दोनों ही क्या होती हैं, नुकसानदायक। दोनों ही क्या होती हैं, नुकसानदायक। अगर तीव्रता कम हो गई तो भी यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर रूप से नहीं चलेगी, और तीव्रता अधिक हो गई तो भी फोटोसिंथेसिस प्रॉपर रूप से नहीं चलेगी। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं हो रहा है तो ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है उन सेल्स को प्रॉपर रूप से भोजन नहीं मिलेगा। तो आपने फोटोसिंथेसिस में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ये नुकसानदायक होती है और ये ग्रोथ को क्या करती है, दोनों ही स्थिति कम, दोनों ही कंडीशन पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता, अगर अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट है प्रकाश है, पराबैंगनी जो प्रकाश है, इससे कम तरंग दैर्ध्य का, और इंफ्रारेड जो होता है से ज्यादा तरंग दैर्ध्य का जो लाइट होगी वो क्या होगी, नुकसानदायक। वो दोनों ही कंडीशन में ग्रोथ को क्या करेगी, कम। तो इसका मतलब विजिबल लाइट होनी चाहिए यहां पर, जो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो लाइट आती है वही लाइट होनी चाहिए यहां पर। अल्ट्रावायलेट से कम तरंग दैर्ध्य की भी यहां पर यूजफुल नहीं होंगी, और इंफ्रारेड से ज्यादा वाली भी यहां पर यूजफुल नहीं होंगी। इनको क्लोरोफिल के जो एटम्स हैं वो गेन नहीं कर पाएंगे और इनको वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो यहां प्रकाश की गुणवत्ता कौन सी होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि, जो न्यूट्रल डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कौन से, एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, इन दोनों के पुष्पन पर या कहें जनन पर प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये दोनों आगे आएंगे तब समझाएंगे आप लोगों को शॉर्ट डे लॉन्ग डे पर के प्लांट्स के पुष्पन या जनन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में यहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, अगर दोनों को विपरीत प्रभाव, शॉर्ट डे प्लांट को ज्यादा प्रकाश दे दिया जाए, लॉन्ग डे प्लांट को कम प्रकाश दे दिया जाए, तो पुष्पन कम होगा, जनन प्रभावित होगा, ग्रोथ क्या हो जाएगी यहां पर, कम हो जाएगी। और प्रकाश की दिशा, प्रकाश की दिशा, अधिकतर प्लांट्स के अंदर वक्रण गति पाई जाती है, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन प्लांट्स में वक्रण गति उपस्थित होती है, क्यों, क्योंकि जिस ओर से प्रकाश आता है वो उस ओर अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। तो जिनके अंदर वक्रण गति पाई जाती है वो यहां ग्रोथ उससे प्रभावित होगी। कैसे, अगर हम प्रकाश दूसरी दिशा से दें या प्रकाश की दिशा को बार बार चेंज करते जाएं, तो यहां वक्रण करने में ही सेल्स की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, और यहां पर जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, यहां पर कम हो जाएगी। तापमान, तो आप लोगों को पता है कि 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस का जो ताप होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है, उत्तम होता है। क्यों, चाहे हम यहां एंजाइम्स की बात करें, चाहे हम यहां पर किसी भी चीज की बात करें, क्योंकि यहां पर विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं वो एंजाइम्स के द्वारा होती हैं, और एंजाइम्स इस ताप पर बेस्ट कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है सभी एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित होती है। अगर ताप कम ज्यादा होगा तो यहां पर एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, अधिक ताप पर विकृत हो जाएंगे, कम ताप पर इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में यहां पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रदूषक तत्व, प्रदूषक तत्व, पादपों, हम अपनी फसलों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उनका
पॉइजन्स का छिड़काव करते हैं, जैसे खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी, पीड़क नाशी, कीटनाशी। तो ये क्या है, जिस वक्त हम इनका छिड़काव कर रहे हैं उस वक्त तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते और सो नहीं होता हमें, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में ये जो चीज है, ये जहर है जो कोशिका के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ ये एंजाइम्स को डिस्टर्ब करते हैं। कोशिका के अंदर जाने पर ये खरपतवार जितनी भी होती है वो डाइकोट होती है, और हमारे फसली पादक अधिकतर कौन से होते हैं, मोनोकोट, जैसे गेहूं वगैरह क्या है, मोनोकोट। तो यहाँ पर इनको हम नाश करने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का छिड़काव करते हैं खेतों में। तो ये चीजें तो दूर हो जाती हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभाव होते हैं। ये एट लास्ट प्लांट की ग्रोथ को उस टाइम ना करके अगले बार प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, कम, क्योंकि ये तो खेतों में ही पड़े रहेंगे। बारिश अधिक हो गई तो बहकर के कहाँ पहुंच जाएंगे, पोखर तालाबों में, अन्यथा यहाँ ये खेतों में प्रेजेंट रहे। कुछ मात्रा तो खेतों में रहेगी, वो कहीं ना कहीं कैसी भी ना कैसे क्या करेगी, पादप की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को प्रभावित करेगी। सेकंड होते हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो करती है जीनी संरचना। जीनी संरचना सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो जीनी संरचना होती है। जीनी संरचना कैसे प्रभावित कर रही है, जो पादप की कोशिकाएं हैं, पादप की जो सेल हैं, उस सेल्स में जितनी भी पादप की क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी पादप की क्रियाओं के लिए, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, सभी के से बिलोंग करती हुई इंफॉर्मेशन कहाँ होंगी, कोशिका के अंदर, इन जीनी संरचनाओं में, यहां पर होंगी। अगर यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर जीनी संरचना में हेर फेर हुआ, कैसे भी यहाँ ये म्यूटेंट हो गई, या फिर किसी भी वजह से यहाँ पर कोई परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, और इनके डिस्टर्ब होने पर यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक होता है कार्यकी का नियंत्रण, फिजियोलॉजिकल कार्यकी कंट्रोल, और इस कार्यकी कंट्रोल में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो होते हैं यहाँ पर हार्मोन, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स का हम टॉपिक पढ़ेंगे जब देखेंगे कि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनकी एक रेशो फिक्स होता है एक दूसरे के साथ में, प्लांट्स में रेशो फिक्स होता है। अगर ये रेशो ऊंचा नीचा हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए एक दूसरे के साथ में, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ओके स्टूडेंट्स।